वहीं प्रदेश में ही मूसलाधार बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर फसलें तबाह हो चुकी हैं। शाजापुर में भी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है और ऐसे में पहले से कर्ज में डूबे किसानों पर अतिवृष्टि से दोहरी मार पड़ी है। अब इन सब के बाद किसान शासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं और इस बीच कर्ज की चिंता में डूबे किसान के आत्महत्या करने के कुछ मामले भी सामने आ रहे हैं। शाजापुर के दुपाड़ा गांव में सोयाबीन की फसल खराब होने से चिंतित किसान बाबूलाल पाटीदार ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी मिली है उसके अनुसार किसान के पास 5 से 7 बीघा जमीन थी जिस पर वो खेती करता था और अपने परिवार का जैसे तैसे भरण पोषण कर रहा था। बताया जा रहा है कि मृतक के ऊपर काफी सारा कर्ज था, हालांकि इसके बारे में मृतक किसान के परिवार को कुछ भी पता नहीं। उनके पास 6-7 बीघा जमीन थी और 3-4 दिन से टेंशन में थे, कर्ज था किनका था ये हमें नहीं मालूम और उन्होंने आत्महत्या की ये भी हमें जानकारी नहीं मिली। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चला, उन्होंने जहर खाया गया और उनके पूरा घर का उनके ऊपर ही बाहर था। फसल खराब हो गई सर, इसलिए 2-4 दिन के टेंशन में थे और वो कह भी रहे थे कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है और मैं पूरी तरह कर्ज में डूबा हुआ हूँ, इसलिए उन्होंने ये कदम उठा लिए। जमीन उनके पास